अकाउंटेंट्स, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जैसे अभी रिजल्ट आया है तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएं कि इंटरव्यू कैसे फेस करें, कुछ टिप्स दें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं जो इंटरव्यू में जाने से पहले और इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद में आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन वेरियस आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े हैं, मैंने कुछ समरी बनाई और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड किए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी इंटरव्यू में डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी, राइट? सो आप चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सभी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़रूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके ही जाइएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो ये वीडियो है, ये बेसिकली मैंने सीए के लिए बनाई है, बट ये हर किसी के लिए काम आती है, ऐसा ज़रूरी नहीं, बिकॉज इंटरव्यू की टिप्स सभी के लिए सेम ही होती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड आंसर आपको पता होनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स में हूँ, तो जैसे जिनका भी इनडायरेक्ट टैक्स में इंटरव्यू होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर हम किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, या फिर जिस भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको कुछ तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर पता ही होने चाहिए कि ये पूछ सकते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करके जाएँ, ब्लाइंडली ना चले जाएँ, राइट? उस फील्ड में आप जा रहे हैं, उस फील्ड के पर्सन से बात कर सकते हैं आप, अगर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर पता करने हैं तो। अगर इंटरव्यू के दौरान, सेकंड, अगर इंटरव्यू के दौरान आपको नहीं पता किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आप सिंपली ना बोल सकते हैं, आप गलत आंसर मत दीजिएगा या झूठ मत बोलिएगा। मतलब इफ़ यू वांट टू ट्राई, यू आर नॉट श्योर इफ़ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई, बट अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप क्लियरली मना कर सकते हैं। अगर आप गलत आंसर देंगे या झूठ बोलेंगे तो वो और नेगेटिव जाएगा, राइट? पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको अपना इंटरव्यू जीतना है अपने ह्यूमर के साथ, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, नॉट योर एंग्रीनेस के साथ। मतलब आपको इंटरव्यू में कभी भी गुस्सा नहीं होना है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको गुस्सा आता है इंटरव्यू में किसी भी रीज़न से, तो वो आपको नहीं होना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपकी करंट कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी पास्ट एम्प्लॉयर के बारे में आपको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपसे छोड़ने का रीज़न पूछा जाता है, तो आप कंपनी की बुराई कर देते हैं, करंट कंपनी के, अपने बॉस की, मैनेजर के, किसी भी तरीके से आप बुराई कर देते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इंटरव्यू को लगेगा कि जब ये मेरी कंपनी छोड़ेगा तो सेम चीज़ हमारे साथ भी ये करेगा, राइट? कभी भी आप रिप्लाई देते हैं तो उसमें बेसिकली एक पॉज ज़रूर लें, सोचें। मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो ज़रूरी नहीं है एकदम से आपको आंसर देना है, आप टाइम ले सकते हो और आप बोल सकते हो कि आई नीड सम 5 सेकंड 10 सेकंड, इट इज़ वेरी कॉमन, राइट? आप सोच के जवाब दें, ये नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा और एकदम से आप जवाब दे देंगे। पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको नर्वस नहीं होना है। एक जो नर्वसनेस का कारण जो मैंने फेस किया या मैंने देखा है, आप इंटरव्यू में जाते हैं, राइट, और वहाँ पे लेट सपोज एक या दो वैकेंसी, और आप देखते हैं कि 10 से 12 20 लोग आए हुए हैं और बहुत ही वेल ड्रेस्ड में, और आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से अच्छे कैंडिडेट यहाँ पे पहले से ही आए हुए हैं, मेरा तो क्या ही होगा। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि वो सेम चीज़ वो भी फील करते हैं, राइट? अच्छा, ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। मैंने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, बट ड्रेसिंग सेंस में फॉर बॉयज़ में एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप टाई पहन के जाते हैं तो या तो टाई प्रॉपरली पहने या टाई पहने ही नहीं। कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि प्रॉपर बिना टाई, या तो वो टाई यहाँ लटक रही होती है या सही से बंधी नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन देता है। तो या तो प्रॉपरली पहने या पहने ही नहीं। अपने इंटरव्यू में आप एक डायरी और पेन लेके ज़रूर जाइएगा, इनकेस इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू से पहले अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको नोट करना चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं, तो उससे इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ इंटरेस्टेड है। अच्छा, आपको जैसे इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है, राइट, तो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद अगर आपसे ये पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो उसका कभी भी आपको नो नहीं बोलना है, नहीं, बिकॉज इंटरव्यू को लगेगा कि इसको तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं, हमने इतने क्वेश्चन पूछ के इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। पहली बात तो नो नहीं बोलना है, राइट? और दूसरी बात, इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछने। फॉर एग्जांपल, मेरी सैलरी कितनी होगी, बोनस कितना मिलता है, मेरा इंक्रीमेंट कब होगा, ये सब फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए कि मेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है, आपकी कंपनी बेसिकली हमारी स्किल, एम्प्लॉय की स्किल्स को इन्हांस करने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव आप लोग लेते हैं, राइट? या फिर अपनी जो प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस प्रोफाइल में भी आप और डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उससे उनको लगेगा कि ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, राइट? अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये है कि लेट सपोज अगर आपकी कोई लिमिटेशंस हैं, जो जेन्युइन लिमिटेशन है, राइट, जेन्युइन लिमिटेशन का मतलब जेन्युइनली, फॉर एग्जांपल आप सैटरडे संडे काम नहीं कर सकते, जेन्युइनली ये बहुत जेन्युइन है, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ज्वाइन करने के बाद, या फिर लेट सपोज आप लेट सिटिंग एक अप टू अ लेवल तक ही कर पाएंगे, 8-9 बजे या जो भी एक टाइम है, राइट, उसके बाद जेन्युइनली आप लेट सिटिंग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, तो ये वहाँ पे मेंशन कर देना,
जैसे ही आपको मौका मिले, या फिर अगर उन्होंने लेट सपोज आपका इसी क्वेश्चन को पूछा, तो इंटरव्यू की जॉब को ग्रैब करने के लिए झूठ मत बोलना, बिकॉज बाद में आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपके एम्प्लॉयर दोनों को प्रॉब्लम होगी, फिर आप जल्दी से छोड़ देंगे वो जॉब, तो आपका CV भी खराब होगा, राइट? एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, जो कि हर इंटरव्यूअर में मैंने देखा है कि हर इंटरव्यू में आता ही आता है, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसका जो आंसर है ना, वो आपको चार फेजेस में देना है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको इंट्रो देना है अपना, उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में आप बता सकते हैं, और तीसरा आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, और चौथा आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, लाइक अपनी हॉबीज, फैमिलीज के बारे में। लेकिन जब आपने तीसरा लेवल क्लियर किया, मतलब अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो एक छोटा सा पॉज ले लीजिए, ताकि आपको ये पता लगे जो इंटरव्यूअर है क्या एक्चुअली आगे सुनना चाहता है या नहीं। अगर इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड हैं, आपने देखा पॉज लेने के बाद भी इंटरव्यूअर मतलब एक्साइटेड है सुनने के लिए, तो आप अपने पर्सनल वाले में भी जा सकते हैं, राइट? कई बार मैंने देखा है जो इंटरव्यूअर होते हैं वो काफ़ी रिजिड तरह के लोग होते हैं, और उनका जो ओपिनियन है वो फिक्स होता है। लेट सपोज आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपको पता है कि आप सही हैं, बट उनका क्योंकि ओपिनियन फिक्स है, तो आप इंटरव्यू में कभी भी बहस ना करें, राइट? उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हुए आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट बहस नहीं करनी आपको उनके साथ कि नहीं आप सही हैं या हम सही हैं। अगर मोर देन वन इंटरव्यूअर हैं दोस्तों, तो जब भी आप दूसरे इंटरव्यूअर को रिप्लाई दे रहे हैं या पहले वाले को दे रहे हैं, तो अपनी जो आईज हैं वो आपको रोटेट करनी है। ये नहीं कि आप एक ही को देखे जा रहे हैं और रिप्लाई आप सबका कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो नो के साथ स्टार्ट ना करें। नो जो है वो बहुत ही नेगेटिव वर्ड फील होता है। आपको अपने आंसर को इस तरीके से बनाना है कि नेगेटिव वाइब्स ना आए आपके आंसर में से। एक और वर्ड है जो बहुत बारी बोला जाता है, वो है बेसिकली। ये जो बेसिकली वर्ड है ना, इसका कोई सेंस नहीं है, और ये बेसिकली हम इतनी बार बोलते हैं, ये शो करता है कि हम कितने नर्वस हैं। अगर आप बार बार बेसिकली 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 बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ शो करता है, और उस इंटरव्यू को लगता है कि आप बहुत नर्वस हैं। और तीसरी चीज़, आपको सिर्फ हर चीज़ का बेसिकली ही पता है। बेसिकली का मतलब होता है बेसिक नॉलेज, राइट? तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज ही पता है। इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरव्यूअर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो ही आप आंसर देंगे। भले ही आपको समझ आ गया हो कि वो क्या पूछना चाहते हैं, बट उनको पूरा करने दीजिए अपना क्वेश्चन। इंटरव्यू में लेट नहीं पहुंचना, आपको टाइम पे पहुंचने की कोशिश कीजिए, और इन केस अगर आप लेट हो गए हैं जेन्युइन रीज़न से, तो सिर्फ आप सॉरी बोलिए। एक्सप्लेनेशन मत दीजिए कि मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी बारिश आ गई, एक्सप्लेनेशन मत दीजिए वहाँ। सिंपल सॉरी बोलिए और काम ख़त्म करिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ। इंटरव्यू को ना आपको इस तरीके से प्लान करना है कि वो उस डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में आप उसे ले जाना चाहते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अलग सी टेक्निक है, मतलब हर कोई नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने कितनी ही बार अपने इंटरव्यू को इस तरीके से डाइवर्ट किया है कि उसको मैं वहाँ ले गया हूँ जहाँ मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेट सपोज मेरे को होटल इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, या मुझे ऑयल एंड गैस की ज़्यादा नॉलेज है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की नॉलेज मुझे नहीं है, तो इंटरव्यूअर जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं उसमें खुद ही ऐड ऑन कर देता हूँ, सर मैंने एक रीसेंट असाइनमेंट किया है एक बहुत बड़े 5-स्टार होटल का, ऑयल एंड गैस की मैंने रिफाइनरी का ऑडिट किया है। इससे क्या होता है, आपने उनको एक पॉइंट दिया, तो वो क्या करते हैं, उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपने उनको पॉइंट पकड़ाया है। मतलब आपने बोला है कि भाई मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछ, ऑयल एंड गैस का क्वेश्चन पूछ, मुझसे होटल का क्वेश्चन पूछ, और 100% अगर आप ऐसे लिंक देंगे उनको, तो वो आपसे वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन उनके दिमाग में बैठा दिया। होटल 5-स्टार होटल का ऑडिट किया है, अच्छा काउंटर पूछता हूँ। इंटरव्यूअर सोचेगा काउंटर पूछता हूँ, पता लग जाएगा झूठ बोल रहा है कि सच। और दूसरा आप कॉन्फिडेंस है, आपने तो स्ट्रैटेजी के साथ वो चीज़ बोली थी ताकि उसी राह पे जाए। तो ये ज़रूर आपको करना है, इंटरव्यू को उसी डायरेक्शन में ले जाइए जहाँ आप ले जाना चाहते हैं, ना कि जहाँ वो ले जाना चाहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें तो टैक्स की प्रोफाइल में जाना है, बट बिग फोर से या कहीं से हमें कॉल आई ऑडिट की प्रोफाइल के, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, मैं नहीं जा रहा। ये बहुत गलत करते हैं आप। लेट सपोज आपको नहीं भी करनी ऑडिट की, मैं तो कहता हूँ इंटरव्यू दे के आइए। हर इंटरव्यू से आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, इतनी अच्छी लर्निंग मिलती है, जो कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं। तो एवरी इंटरव्यू विल गिव यू अ वेरी गुड लर्निंग, तो वो लर्निंग ज़रूर ही लीजिए। और जब भी आप इंटरव्यू से घर आ जाएं, तो जितने भी क्वेश्चन आप पूछे गए वो आप नोट करिए, रिकॉल करिए, उसके आंसर फाइंड आउट करिए, बिकॉज वो सेम चीज़ आपको अगले इंटरव्यू में पक्का काम आएगी, राइट? सो ये बहुत ही छोटी सी टिप्स थी जो आपको मे बी हेल्प कर सकती है। बाकी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।